हेलो गाइज, मैं निर्मल, आप सभी का कंप्यूटर लॉजी में स्वागत करता हूँ। आज एक्सेल जॉब कॉन्सेप्ट का फोर्थ चैप्टर है। ओके, मेरा मानना है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख लेते हो एक्सेल में, तो 100% आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। ओके, उसके बाद आप आगे सीखते रहोगे, क्योंकि अगर आप कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लेते हो, पार्ट टाइम टाइम निकाल के कुछ न कुछ और नया सीखते रहते हो, जिससे आपकी कंपनी में प्रोग्रेस होते रहती है। ओके, तो हम बिना देर किए हम एक्सेल का फोर्थ चैप्टर सीखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज। प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और सेकेंडली, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस एक्सेल के चैप्टर नहीं देखे हों जॉब कॉन्सेप्ट के, तो प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें। उससे आपको सीखने को भी मिलेगा, और 100% आपको जॉब में भी काम लगेगा। ओके, देखो, मैंने एक्सेल में एक सीट क्रिएट की है, नेम और सैलरी दो हेडर हैं। अब मैंने यहाँ पे 100 नेम टाइप कर रखे हैं। देखो, अब सपोज करो मैं किसी कंपनी में वर्क करता हूँ, मेरा काम है एम्प्लॉय की लिस्ट टाइप करना या उनके डिटेल टाइप करना। अब मैंने सारे नेम कैपिटल टाइप करने थे, लेकिन मेरे गलती से मैंने इनको प्रॉपर टाइप कर दिया। मतलब कि एक्सेल में 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, अपर, लोअर, प्रॉपर। अपर मतलब अगर आप अपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो सारे लेटर कैपिटल आएंगे, लोअर फंक्शन अप्लाई करोगे तो सारे लेटर स्मॉल आएंगे, जो भी आपने टाइप कर रखा है। अगर प्रॉपर फंक्शन अप्लाई करोगे तो हर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा और सारे स्मॉल आएंगे। ओके, आज इन तीनों को समझते हैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से, जो कि जॉब में यूज करते हैं। मेरा हेडिंग ही है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक्सेल जॉब कॉन्सेप्ट। तो मैं ऐसी चीज आपको बता रहा हूँ कि जॉब में जो काम आए। ओके, अब होता क्या है, सपोज करो मैंने अमन कुमार को पर्टिकुलर को कैपिटल करना है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूँगा। कभी भी हमेशा ध्यान देना, एक्सेल में चाहे आप फॉर्मूला अप्लाई करो, चाहे कोई फंक्शन अप्लाई करो, उससे पहले हम इक्वल टू टाइप करते हैं। ओके, और कैपिटल टाइप करने के लिए, कैपिटल कन्वर्ट करने के लिए हम अपर टाइप करेंगे। यहाँ पे अपर टाइप कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे टैब की प्रेस करोगे, फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है टैक्स, आप कौन से टैक्स को अपर करना चाहते हो, या तो उसे टाइप कर लो या उस सेल पे क्लिक कर दो। मैं अमन कुमार वाले नेम को अपर करना चाहता हूँ, देन ब्रैकेट क्लोज कर दोगे, एंटर की प्रेस करोगे। देखो, अमन कुमार क्या आ गया, कैपिटल आ गया। ओके, एक्सेल है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। अब सपोज करो मेरे पास 100 नेम है, इसके नीचे जितने भी नेम होंगे वो ऑटोमेटिकली सारे कैपिटल आ जाएंगे। देखो, मैं इसको ड्रैग करके आपको दिखाता हूँ। ड्रैग किया, देखो यहाँ पे सारे लेटर के आगे मतलब नेम कैपिटल आ गए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये तो डी वाले कॉलम में आए, लेकिन मुझे इसी कॉलम पे सबको कैपिटल टाइप करना है। अब मैं एक एक करके टाइप करूंगा, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा जहां पे हमारा कैपिटल टाइप हुआ है, कीबोर्ड से कंट्रोल सी फॉर कॉपी कर लूंगा, और देन यहां पर आऊंगा ए वाले कॉलम पे, जितने एरिया पे मेरे को इसको कैपिटल में दिखाना है उतने एरिया को सिलेक्ट करूंगा, मीन्स कि 100 नेम तक। और अगेन राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन आएगा। भाई इतना ही ध्यान देना है, पेस्ट ऑप्शन पे जाके हमने किस पे पेस्ट करना है, वैल्यू पेस्ट करना है। जैसे ही वैल्यू वाले पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये सारे, मतलब ये समझ लो कि जो यहाँ पे एज इट इज कॉपी था, ये यहाँ पे आ गया पेस्ट होकर। देखो, मैंने डबल क्लिक करके साइज थोड़ा सा विड्थ बढ़ा कर ली ए वाले कॉलम की। ओके, अब देखिए जितने भी हमारे पास नेम थे सारे के आगे कैपिटल आ गए। मीन्स कि अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सपोज करो आप एक एक करके कन्वर्ट करोगे, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो बहुत ईजी है, हम कीबोर्ड से शिफ्ट F3 शॉर्टकट की यूज करके हम चेंज केस अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन एक्सेल में हमें फंक्शन के थ्रू करना होता है। ओके, देन सेकंड है लोअर। लोअर मतलब हमें इस सब स्मॉल दिखाने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही सेम तरीका है। मैंने सबसे पहले इसको डिलीट कर लिया, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे लोअर टाइप करेंगे, और देन टैब की, आप जिस भी टैक्स को लोअर करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दोगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो, अमन कुमार अब क्या आ गया, लोअर आ गया। सेम वही तरीका, लास्ट पॉइंट पे आओगे, प्लस सिंबल आएगा, ड्रैग कर दोगे, जहां तक भी आपको स्मॉल लेना है ये ऑटोमेटिकली दिखाएगा, सारे स्मॉल आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आ गए, लेकिन मुझे एज इट इज यहाँ पर करना है, नेम वाले उस पे ए वाले कॉलम पे, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, कॉपी, और देन यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इतने एरिया को, और यहाँ पे क्या करूंगा, अगेन
राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, राइट क्लिक पेस्ट ऑप्शन पे जाके वैल्यू पेस्ट करूंगा। ओके, देखो वैल्यू पेस्ट करते ही सारे नेम क्या हो गए, स्मॉल हो गए। देन थर्ड है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब क्या होता है, हर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, जैसे अमन कुमार में ए कैपिटल और के कैपिटल, उसी प्रकार दीपक सिंह में डी कैपिटल एस कैपिटल। ओके, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू प्रॉपर टाइप करोगे कीबोर्ड से, यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा। देन टाइप की किस टेक्स्ट को आप प्रॉपर करना चाहते हो, उस वाले सेल पे क्लिक करोगे या टेक्स्ट टाइप कर लोगे और देन ब्रैकेट क्लोज, सॉरी मैं नीचे आ गया। ओके, देन यहाँ पर आ गया, देखिए। अब उसके बाद सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, ड्रैग कर देना है। ड्रैग करते ही ऑटोमेटिकली जितने नेम होंगे वो सारे प्रॉपर केस में आ जाएंगे। देखिए सेम वही तरीका, कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी कर लोगे और इतने एरिया को सिलेक्ट कर लोगे और पेस्ट ऑप्शन पे जाके वैल्यू पेस्ट कर लोगे, राइट क्लिक पेस्ट ऑप्शन वैल्यू। गाइज बहुत ही ज़्यादा यूज होता है जॉब में और इंटरव्यू लेवल में पूछा जाता है अपर लोअर और प्रॉपर फंक्शन के बारे में। आपसे पूछा ये जा सकता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, मैंने आपके सामने शुरू में टाइप किया था, देखो उसको मैंने आपको कैपिटल भी करके दिखाया, उसको स्मॉल भी करके दिखाया, नेम को उसको प्रॉपर भी करके दिखाया। ओके, और बहुत ज़्यादा यूजफुल ऑप्शन है। तो गाइज आपने तीनों फंक्शन प्रॉपर अप्लाई करने, अपर लोअर प्रॉपर। अपर मतलब सारे अल्फाबेट्स कैपिटल आएंगे, मतलब सारे वर्ड कैपिटल आएंगे। लोअर मतलब स्मॉल शो करेगा। प्रॉपर मतलब हर किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ओके, आप प्लीज तीनों फंक्शन को अप्लाई करके देखें। अगर कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, डेफिनेटली मेरे को कमेंट बॉक्स पे मैसेज करें। ओके गाइज, थैंक यू।